हेलो दोस्तों दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आप धीरे धीरे घर के हर चीज़ों को, हर डिवाइस को, या फिर घर में यूज़ हो या किचन में, सभी को रिपेयर करने का आप तरीका जान जाएंगे, ठीक है। तो उसी सिलसिले में, उसी सीरीज में मैं पहला वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। जैसे जार का तो रिपेयर करने मैं दे चुका हूँ, लेकिन आपको यहाँ बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ कुकर में क्या हो रहा है कि यहाँ से गैस लीक कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये काफ़ी, ठीक है, लूज हो जाने के चलते आपको यहाँ से गैस लीक कर रहा है। आप कितना भी टाइट किसको करें लेकिन टाइट नहीं हो रहा था। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको खोल के अलग निकाल लेना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वाशर है काफ़ी दब चुका है, आपको यहाँ पे, ठीक है, दूसरा दो वाशर दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे लगाना है, फिर यहाँ फिर उसके बाद एक और वाशर आपको यहाँ दे देना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको टाइट कीजिए, तो क्या हुआ, ये टाइट हो जाएगा। मतलब बोले क्या होता है, टाइट होने के बाद भी ये लूज ही रहता था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दो प्लायर का हेल्प लेना है, एक से यहाँ इसको अच्छे से पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसको टाइट कर दीजिए। ठीक है, इसको अपने सही जगह पे ला लीजिए आप, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये लूज नहीं रहा, ठीक है। अब आपको जहाँ से गैस लीक करने का समस्या, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। और भी कोई दिक्कत होता है कुकर में या फिर गैस में, ठीक है, गैस में और कोई भी किचन प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है, या कोई भी घरेलू चीज़ जो आपको रिपेयर करने में परेशानी हो रहा है या फिर आपको उसको यूज़ करने में परेशानी हो रहा है, तो आप मुझे उस प्रॉब्लम को लिख के भेजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस पर भी वीडियो दे दूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस तरह का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, आप मुझे बताइए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।